आपका स्वागत है हमारे शो में, जिसे हम आपको बताते हैं कुछ आसान से टोटके और उपाय, जिनसे आप अपने घर में बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति पर वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो वशीकरण टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको इस टोटके से आसान व प्रचंड टोटका कहीं नहीं मिल सकता। और मैं इससे सबसे आसान उपाय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे करने के लिए आपको इस्तेमाल करने होंगे आपको अपने खुद के ही दो बाल। जी हाँ, आपको अपने खुद के दो बालों का इस्तेमाल करना है इस वशीकरण में। आज तक आपने बालों से वशीकरण के जो भी वीडियो देखे होंगे, उनमें आपको उस व्यक्ति के बालों का इस्तेमाल करना होता है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको इस्तेमाल करने हैं आपके अपने दो बाल, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ये मुमकिन नहीं हो पाता कि जिस पर हम वशीकरण करना चाहते हैं उसके बाल हमें मिल जाए। दोस्तों, आज के इस चोटके से आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप उसे सबक भी सिखा सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से इस चोटके को करेंगे तो आपको इसका परिणाम बहुत जल्द मिल जाएगा। आज मैं आपको जो विधि बताने जा रही हूँ, उसके लिए आपको बाजार से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस विधि में आपको एक सिद्ध किए हुए मंत्र का प्रयोग करना है, जिससे कि आप इस विधि को अत्यंत सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी से भी बहुत प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इस विधि के प्रयोग से आप उस व्यक्ति के मन में अपने लिए बिल्कुल वैसा ही प्यार जगा सकते हैं जैसा आप उसे करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस विधि को आपको रात 11 से 12 बजे के बीच में ही करना है। सबसे पहले आपको दो बाल लेने हैं, फिर आपको एक बाल अपने दाहिने हाथ में लेकर एक मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के बाद इस बाल को अपने तकिए के दाएं तरफ रख देना है। इसके बाद आपको अपना दूसरा बाल अपने बाएं हाथ में लेना है, वही मंत्र दोहराना है, और इसके बाद इस बाल को अपने तकिए की बाई ओर रख देना है। दोस्तों, जो मंत्र आपको बोलना है वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ये एक सिद्ध मंत्र है और मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीम क्लीम वक्र अमुक जम्भ है मोहे स्वाहा। अमुक की जगह आपको बोलना होगा उस व्यक्ति का नाम जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। अब आपको उस व्यक्ति को सच्चे मन से ध्यान करते हुए सो जाना है। अगले दिन इस व्यक्ति के घर के सामने जाना है और फूंक मारकर उन दोनों बालों को गिरा देना है। लेकिन याद रहे दोस्तों, बाल उनके घर के आगे गिराते समय आपको सिर्फ उस व्यक्ति को अपने ध्यान में रखना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, और बाल गिराने के बाद आपको उसी मंत्र का उच्चारण फिर से करना है जो मैंने आपको पहले बताया। ध्यान रहे दोस्तों कि इस विधि को करते समय आपको कोई ना देख रहा हो, इसलिए आपको बिना किसी को बताए हुए बड़ी ही सावधानी से इस विधि को करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस विधि को बताए गए तरीके से ध्यान पूर्वक कर लेंगे, तो उसके कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति पर आपके सम्मोहन का जादू चल जाएगा जिसे ध्यान में रखकर आपने ये विधि की है। दोस्तों, अगर आपको इस विधि को करने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का हमसे हल पा सकते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा दी गई जानकारी सिर्फ आपके और हमारे बीच ही रहेगी, इसीलिए आप बिना झिझक हमें अपनी किसी भी प्रकार की समस्या बता सकते हैं और जान सकते हैं कौन सा उपाय उसके लिए कारगर साबित होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।